अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने मेडिकल फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ना है वो है वेल्व्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले वेल्व क्या होती है? वेल्व एक ऐसी डिवाइस होती है जो ट्रांसमिट करती है, उसके अंदर कोई भी चीज़ जो फ़्लो कर रही होती है उसको एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करवाती है और रिवर्सल उसका प्रिवेंट करती है। तो उसमें आपके पास एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल अगर देखें तो उसमें हमारे पास हार्ट की आ जाती है, वेल्व्स ऑफ वेन ऑफ हार्ट, और बाइसिकल टायर की एग्जाम्पल आ जाती है। देन हम बात, पहले हमने वेल्व की डेफिनेशन देख ली, देन आपके पास आ जाती है थर्मियोनिक वेल्व। थर्मियोनिक वेल्व क्या होती है? जिसमें थर्मियोनिक एमिशन की वजह से, या आप कह लें कि हीट की हीट देने पर, हीट की वजह से जो है उसमें फॉर एग्जांपल करंट का फ्लो है वेल्व में, या किसी और चीज़ लिक्विड कोई फ़्लो कर रहा है किसी वेल्व में, तो उसका फ़्लो जो है वो एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट होना शुरू हो जाए और उसके रिवर्सल को प्रिवेंट करे, तो उसको कहते हैं आप थर्मियोनिक वेल्व। उसके बाद इसमें टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें डायोड वेल्व है, ट्रायोड वेल्व है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डायोड वेल्व की, देन हम ट्रायोड वेल्व की। तो डायोड वेल्व जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है आपकी, और इसमें जो है दो इलेक्ट्रोड, एक फिलामेंट और एक प्लेट आपको मिलती है इनक्लोज्ड इन अ इवैक्यूएटेड ट्यूब। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है। ये आपकी डायोड वेल्व है, और इसमें जो आपके पास आ जाता है ये है आपका फिलामेंट, ये है आपकी, ये है आपका एनोड, और ये आपकी आ जाती है प्लेट। और ट्रायोड वेल्व, ट्रायोड वेल्व जो है उसमें आपके पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं। प्लेट के अंदर सेंटर में आपके पास एक ग्रिड प्लेट या ग्रिड बायस उसको कहते हैं, उसके अंदर पोर्स होते हैं जो आपकी अलाउ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में। तो ये डिफरेंस होता है आपका बिटवीन ट्रायोड एंड डायोड वेल्व। तो आगे हम देखते हैं डायोड वेल्व में और क्या क्या एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है, कि एक तो दो इलेक्ट्रोड्स आ गए, एक फिलामेंट हो गया, उसके बाद प्लेट है और इनक्लोज्ड होती है ये इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब में। देन फॉर अ करंट टू पास अक्रॉस द वेल्व द फिलामेंट मस्ट बी हीटेड। जब भी आपने करंट फ्लो करवाना है उसमें या करंट की प्रोडक्शन करवानी है तो फिलामेंट को आप हीट अप करते हैं, उससे क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूवमेंट उनकी स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से आपकी करंट की प्रोडक्शन हो जाती है। फिलामेंट जो है वो हीटअप हो जाता है थर्मियोनिक एमिशन से, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं फ्रॉम द फिलामेंट या वायर, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई किया जाता है तो पॉजिटिव जो प्लेट है उसको पॉजिटिव इन रिलेशन टू द फिलामेंट। अगर प्लेट जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा एज़ कम्पेयर टू फिलामेंट, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे थ्रू द वैक्यूम टू द प्लेट, और करंट जो है पास करेगा अक्रॉस द वेल्व। और अगर जो है फिलामेंट आपके पास कोल्ड होगा तो उसमें आपके पास कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, या फिर अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस को आप रिवर्स कर दें तो उसमें भी आपके पास, उस केस में भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास कर जाते हैं फ्रॉम द फिलामेंट टू द प्लेट बट नॉट इन द रिवर्स डायरेक्शन, एंड द वेल्व ट्रांसमिट्स करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। प्रेशर विद इन द वेल्व जो है वो लो रखा जाता है या मिनिमम रखा जाता है, क्यों? क्योंकि वो प्रेशर जो है अगर ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा कि वो रेजिस्ट करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको आप कहते हैं कि उस वजह से करंट जो है उसका फ्लो अफेक्ट हो सकता है। देन आपके पास फैक्टर्स आ जाते हैं जिन किन किन फैक्टर्स पर डायोड वेल्व में करंट फ्लो जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। एक तो है इंटेंसिटी ऑफ करंट, दैट डिपेंड्स ऑन द हीटिंग ऑफ द फिलामेंट एंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिलामेंट एंड द प्लेट। अगर आप जो हैं करंट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा लिब्रेट होंगे या रिलीज़ होंगे, और इंक्रीज़ आएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस में, जो एक ग्रेटर फोर्स एग्जर्ट करेंगे टू अट्रैक्ट देम अक्रॉस द वेल्व। ये जो है आपके पास, मतलब इंटेंसिटी करंट की आपने इंक्रीज़ कर दी, उससे क्या होगा मोर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे, उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, मूवमेंट ज़्यादा होगी तो करंट का फ्लो जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा।
उसके बाद आपके पास आ जाता है फिलामेंट जो है हीटअप किया जाता है उसको बाय एन इलेक्ट्रिक करंट एंड द सर्किट विच कैरीज दिस करंट इज नॉन एज फिलामेंट सर्किट। और जो एनोड पे आपके करंट जो है फ्लो कर रहा होता है उसको आप एनोड सर्किट भी कहते हैं। देन फिलामेंट मे बी हीटेड डायरेक्टली बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट और मे बी इनडायरेक्टली हीटेड टाइप। उसमें जो है आपके पास जो इनडायरेक्ट हीट के थ्रू आप उसको हीटअप करते हैं और उसमें करंट का फ्लो स्टार्ट करवाते हैं तो उसमें जो है वो लॉन्गर टाइम लगता है टू रीच द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ करंट या इंटेंसिटी ऑफ करंट टू डेवलप और एज़ कम्पेयर टू जो है आपके पास अगर आप डायरेक्ट हीट अप्लाई करें। देन आपके पास आ जाता है ट्रायोड वेल्व। ये ट्रायोड वेल्व है, दिस इज़ फिलामेंट, दिस इज़ ग्रिड बायस, दिस इज़ प्लेट और ये जो है आपका एनोड आ जाता है। देन इसमें उन्होंने ये बताया है कि ये जो है इसमें थर्ड इलेक्ट्रोड भी प्रेजेंट होता है जो ग्रिड होता है। उसके अलावा ये जो है फिलामेंट और प्लेट के दरमियान में इसकी पोजीशन होती है। देन आपके पास आ जाता है कि ये जो है परफोरेटेड होती है, मतलब इसमें पोर्स होंगे या स्लिट्स होंगी जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव या परमिट करती हैं टू पास थ्रू देम, तो उसके बाद वो एनोड तक जैसे जाते हैं। अगर आप फिलामेंट को इस केस में हीट करते हैं तो आपके पास डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। फिलामेंट को हीट अप किया, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर से इधर मूव करना शुरू कर देंगे तो एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो मिलेगा और रिवर्स नहीं हो सकता, वो उसके रिवर्सल को वो प्रिवेंट कर देता है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है इफ़ ग्रिड इज़ अनचार्ज्ड। अगर ग्रिड पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है वो, तो उसमें आपका करंट के फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर जो ग्रिड है वो नेगेटिव है, उसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया गया है फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स, तो उसमें क्या होता है आपके जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से आएंगे वो उसको रिपेल करेगा और वापस भेजेगा और करंट जो है उसकी इंटेंसिटी आपको कम मिलेगी। और अगर आपके पास इसको हम पॉजिटिव चार्ज कर दें थ्रू एन एक्सटर्नल सोर्स तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट करेगा मज़ीद अपनी तरफ और वो करंट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा। चार्जेस अप्लाइड टू द ग्रिड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स जो हैं उसको ग्रिड बायस कहते हैं, मतलब चार्जेस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अप्लाइड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स टू द ग्रिड इज़ नोन एज ग्रिड बायस। और इसके बाद इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक तो है स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस द वेल्व कैन बी रेगुलेटेड, कि आप इंटेंसिटी ऑफ करंट को रेगुलेट कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग या बाय चार्जिंग द ग्रिड फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स। जैसे हमने पढ़ा कि नेगेटिव चार्ज अगर आप उसको देते हैं तो वो उसको रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और करंट की इंटेंसिटी कम कर देगा। और उसके बाद अगर हम पॉजिटिवली उसको चार्ज करते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स तो उसमें वो जो है वो अट्रैक्ट करेगा और करंट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेगा। इस तरह से आप स्ट्रेंथ ऑफ करंट को या इंटेंसिटी ऑफ करंट को रेगुलेट कर सकते हैं इन ट्रायोड वेल्व बाई ऑल्टरिंग, और इसमें टेम्परेचर फिलामेंट का जो है उसको ऑल्टर करने से भी आप रेगुलेट कर सकते हैं बाय ऑल्टरिंग द पॉजिटिव चार्ज अप्लाइड टू द एनोड। उसके बाद आ जाता है फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द ट्रायोड वेल्व कैन बी रेगुलेटेड बाय एडजस्टिंग द बायस ऑफ द ग्रिड। वही बात आ गई कि चार्जेस को रेगुलेट करने से आप उसके करंट की इंटेंसिटी को रेगुलेट कर सकते हैं। इसके वेरियस फंक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोमेडिकल अपरेटस में यूज़ किया जाता है इसको और प्रोडक्शन ऑफ इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट में यूज़ किया जाता है। मसल स्टिमुलेटिंग करंट जो हम फिजियोथेरेपी में मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ पैरालाइज्ड या वीकेंड मसल्स, उनकी उसमें आता है, उसमें ट्रायोड वेल्व हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मतलब आप कह लें कि ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है एंड इन कंजंक्शन विद अ कंडेंसर एंड इन इंडक्टेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स, और साथ साथ ये रेक्टिफिकेशन ऑफ करंट भी करवाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है। देन आपके आ जाते हैं आगे सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर में सबसे पहले आ जाते हैं प्रिंसिपल। पहले तो हमने पढ़ा था कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें आप जो हैं
या तो उसको वो अलाउ भी कर दे, मतलब उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड हों इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में और ना बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड हों, मतलब वो कभी अलाउ कर दे उनको फ्री कर दे और कभी जो है उनको टाइटली बाउंड कर दे और करंट को जो है वो परमिट कर दे टू पास। तो उस ऐसे मटेरियल को जो है वो कहते हैं सेमीकंडक्टर, जो किसी कंडीशन या सर्कमस्टेंसेस में जो है करंट की पैसेज को जो है वो अलाउ कर दे और किसी में वो अलाउ ना करे। इसमें एग्जांपल आपकी आ जाती है जर्मेनियम की। उसमें ये बताया हुआ है कि थर्मल एजिटेशन अगर हम परफॉर्म करें जर्मेनियम मॉलिक्यूल्स पे, थर्मल एजिटेशन मतलब एजिटेशन डिस्टर्बेंस और थर्मल मतलब हीट। तो हीट अगर आप उसको प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या होगा, हीट की वजह से वाइब्रेशन होगी मॉलिक्यूल्स की, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी मूवमेंट फास्टर होगी और फास्टर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने आउटर शेल में से रिमूव होके तो वहाँ पे या तो होल क्रिएट कर देंगे या फिर आपके पास जो है वहाँ पे छोड़ देंगे गैप। उसके बाद आप में इसमें आ जाता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जोन सा एक मतलब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो फ्री कर दे इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम देयर बॉन्ड्स और मटेरियल को कैपेबल कर दे फॉर ट्रांसमिटिंग द करंट या फॉर अलाउइंग द पैसेज ऑफ करंट, उसको आप कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अदर मटेरियल्स जो ट्रांसमिट करते हैं करंट व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन अदर सब्सटेंस इज एडेड टू इट, तो इसको इसीलिए इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर कहा जाता है कि जब तक उसमें कोई और सब्सटेंस ऐड नहीं किया जाएगा तब तक वो करंट अलाउ नहीं करेंगे पास करने के। फिर आपके पास आ जाता है ये इसमें एग्जांपल एटम ऑफ सिलिकॉन की। तो उसमें आपको उन्होंने बताया कि सिलिकॉन जो एटम है, बुक में डायग्राम बनी हुई है फिगर 65, ये आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिलिकॉन जो है 2, 3, 4 ये आपस में इन्होंने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। तो सिलिकॉन में होते हैं आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में, ये सिलिकॉन हो गया। उसके बाद इसमें उन्होंने बताया कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्रिस्टल फॉर्म, और ये जो है क्रिस्टल की फॉर्म में आप अगर इसको देखें उसके बाद ये हेल्ड होते हैं टाइटली इन फॉर्मिंग बॉन्ड्स और नेबरिंग एटम्स के साथ। उसके बाद इसमें जो है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते टू ट्रांसमिट द पैसेज ऑफ करंट, इसीलिए इसमें जो है कोई अदर मटेरियल या अदर सब्सटेंस जो है वो ऐड करना पड़ता है। तो इसमें हम कॉमनली जो है फॉस्फोरस ऐड करते हैं इसके अंदर। जब हम इसके अंदर फॉस्फोरस ऐड करते हैं तो फॉस्फोरस में होते हैं हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, और जब फॉस्फोरस एटम्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे अमंग सिलिकॉन एटम्स तो फॉस्फोरस एटम का एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो, हर फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहेगा। तो फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, इसकी वजह से इसमें जो है करंट की प्रोडक्शन आप इस तरह से होती है। देन आपके पास आ जाता है पी टाइप। पी टाइप में आपको एग्जांपल उन्होंने दी हुई है एल्यूमिनियम की। अच्छा, एल्यूमिनियम एटम्स की एग्जांपल दी हुई है कि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में और एल्यूमिनियम एटम जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं अगर हम सिलिकॉन के अंदर ही, सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर, तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन के साथ बाउंड करके एक बॉन्ड बना देंगे और एक जो है इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन का वो फ्री होगा, लेकिन जो इम्प्योरिटी आपने ऐड की है उसमें एक होल क्रिएट हो जाएगा हर एटम में। तो उस होल को, वो होल जो है वो आपका पैसेज करवाता है करंट को पास करने में हेल्प करता है या करंट प्रोड्यूस करवाने पे, और ये जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इनको पॉजिटिव होल्स भी कहते हैं, और इसमें जो है करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव मिलती है आपको। मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल्स फ्रॉम द पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव इज इक्विवेलेंट टू अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। अ मटीरियल विच ट्रांसमिट्स दिस करंट इन दिस वे इज टर्म्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। फिर आ जाता है कॉन्टैक्ट बिटवीन सेमीकंडक्टर्स। ए
एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप आपको पता है नेगेटिव होगी, पी टाइप पॉजिटिव। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, और इसमें आपके पास होल्स होते हैं। जब दो सेमीकंडक्टर्स को जो है वो आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पी टाइप, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर के जो हैं वो कांटेक्ट में आएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर के पॉजिटिव होल्स के साथ, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एन टाइप से मूव करेंगे टू द इलेक्ट्रॉन्स आपके। जब आप एन टाइप और पी टाइप को आपस में इकट्ठा लेकर आएंगे, तो उसमें क्या होगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें होल्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टूवर्ड्स द होल्स, और होल्स को ये गैप्स को फिल करेंगे, और इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से एन टाइप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अल्टीमेटली ये चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे और करंट सेटअप हो जाएगा। कंडक्शन अक्रॉस सेमीकंडक्टर जंक्शन, उसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ चाहिए होती है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द जंक्शन, जंक्शन पे अप्लाई करते हैं टू अचीव फ्लो ऑफ करंट। उसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो मोर नेगेटिव है इन इक्विलिब्रियम स्टेट में, और वो पी टाइप जो है वो मोर पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरह से लॉस्ट होते हैं फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर, और इसको आप कहते हैं कॉन्टैक्ट बिटवीन सेमी कंडक्टर जंक्शंस। तो इसमें आज हमने पढ़ा कि सबसे पहले वैल्व क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कॉमन एग्जांपल्स उसकी देखी, देन हमने थर्मियोनिक वैल्व की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने ट्रायोड वैल्व और डायोड वैल्व देखी कि वो कौन सी वैल्व होती हैं। डायोड वैल्व जो है उसमें आपके पास एक फिलामेंट होता है, एक प्लेट होती है, और एक एनोड इलेक्ट्रोड होता है। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसमें, इवैक्यूएटेड होते हैं इन अ ग्लास बल्ब। उसके बाद आपके पास ट्रायोड वैल्व आ जाती है, उसमें थ्री इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसमें आपके पास फिलामेंट, प्लेट, एनोड और साथ आपके पास ग्रिड होता है। ग्रिड को आप एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज कर सकते हैं नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली। ग्रिड में परफोरेशंस होती हैं जो अलाउ करती हैं टू इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में फ्रॉम द फिलामेंट टू द एनोड। उसके बाद आपके पास इसमें ये हमने देखा कि उसकी चार्जिंग से क्या इफेक्ट आता है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट को किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से ग्रिड को जो है वो नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज कर देते हैं, तो उस पर डेवलप करवा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इंटेंसिटी करंट की आपकी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपेल करना शुरू कर देगा, और इस तरह से एनोड तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचेंगे, और आपका जो है करंट की इंटेंसिटी या फ्लो कम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज में ये होगा कि आप जो हैं आपके पास आ जाएगा कि उसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगी, और वो अट्रैक्ट करेगा मोर इलेक्ट्रॉन्स को, और इस तरह से इंटेंसिटी ऑफ करंट इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हमने पढ़े सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर की टाइप्स देखी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर है। फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल देखी, सिलिकॉन की और एल्यूमिनियम की एग्जांपल देखी, दो टाइप्स देखी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा है और पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा है। एन टाइप जो है उसमें आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और पी टाइप में आपके पास होल्स क्रिएट हो जाते हैं। होल्स जो होते हैं वो आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और वो जो हैं फिर जब आप इन दोनों को पी टाइप और एन टाइप को कांटेक्ट में लेकर आते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जंक्शन पे अप्लाई करते हैं, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गैप फिल करते हैं पॉजिटिव होल्स की तरफ मूव करके, पी टाइप में उन होल्स को जो है वो फिल कर देते हैं, और इस तरह से आपका पोटेंशियल डिफरेंस एक क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो करना शुरू कर देता है या प्रोड्यूस हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो इसको फिर इसमें चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं, एन टाइप पे पहले नेगेटिव चार्ज था, पी टाइप पे पहले पॉजिटिव चार्ज था, फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में देन आपके पास चार्जेस की रिवर्सल हो जाएगी, कि क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव होल्स को जो है उन्होंने फिल कर दिया है, तो इधर से नेगेटिव चार्जेस इधर मूव कर गए और इधर से पॉजिटिव पीछे वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो ये था आपका आज का टॉपिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।